सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, डोर नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे ये डोर नंबर 3 क्या है भाई, ये नई नई कैसी कैसी नाम वाली चीज़ें खुल रही हैं। सो ये एक्चुअली में किचन एंड बार है, जो कि बहुत ही स्पेशल एम्बियंस के साथ बना हुआ है। और मुझे भी ये काफ़ी क्रिएटिव लगा जब मैंने इसका नाम सुना पहली बार, डोर नंबर 3। सो आपने सोचा होगा अभी तक तो भाई घर में हमने दो ही दरवाजे देखे हैं एक साथ, जो खुलते हैं और बंद होते हैं। सो हम एक नया दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं आज। सो चलिए इस वीडियो के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं इस नए दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है और कैसी कैसी चीज़ें हमें खाने को मिलेंगी और क्या माहौल देखने को मिलेगा। सो जुड़िए रहिए इस वीडियो के एंड तक और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। So we are right here at door number 3, modern kitchen and bar. So today we have special guest, meet Yatin. Hello. So let's go inside and check. So door number 3 ki location just next to the Pirates of Grill. So aaj hum apni zindagi ka ek naya darwaza kholne ja rahe hain, door number 3. तो बाहर से डोर नंबर 3 कुछ ऐसा दिखेगा आपको। This is all about the menu. So we are just going to order this farmhouse pizza. देखते हैं कैसा आता है और कैसा टेस्ट रहेगा इसका। So drinks में हम special mocktails order करने वाले हैं। I think I'm going to order coconut Florida and smoked apple. Still नहीं हो रहा है। Let's do it again. Okay. Another take. Thank God. That's okay. Nice. So here is our another drink, another fun. और यहाँ हमारा फार्म हाउस पिज्ज़ा आ चुका है। Let's try it and देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और इसको देखने में तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। सो मैंने कुछ पीसीज ट्राई किए हैं इस पिज़्ज़ा के। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड लगा। मतलब आप देख ही सकते हो हर एक चीज़ कितनी अच्छे से इन्होंने डाली है, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को रोस्ट भी नहीं किया। मतलब जो टेस्ट हम किसी चीज़ में ढूंढते हैं वो इसमें है। सो इनकी ये जो पेपर सॉस है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ज़रा इसको ध्यान से यूज़ करना अपने पिज़्ज़ा और पास्ता के साथ। सो अब हम पास्ता ऑर्डर करने वाले हैं। आई होप इसका टेस्ट भी बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बहुत अच्छा हो। सो मैं ये सेकंड वाला पास्ता ऑर्डर करने वाला हूँ। इसका नाम काफ़ी अजीब है, मैं तो नहीं ले सकता भाई। तो हेयर इज़ अवर पेने एलब्रियाटा। सो जो चीज़ मैं इस पास्ता में एक्सपेक्ट कर रहा था इन्होंने वो चीज़ कवर कर दी है। ये पास्ता सही में बहुत ज़्यादा यम्मी है। सो इनका एम्बियंस तो आपके सामने ही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और कुछ एक्स्ट्रा भी कोई ऐड नहीं की हुई लाइटनिंग। ये सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, आपके सामने है सिंपल। सो आई थिंक बहुत जल्द आपको रूफ टॉप पे भी सिटिंग अवेलेबल मिलेगी। ये एक्सटेंड कर रहे हैं और आई थिंक ये मेन कोर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके मेन्यू में अभी मेन कोर्स है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक मेथड है बिल रिसीव करने का। सो फाइनली वी इन्जॉयड डोर नंबर 3। आपको यहाँ फैमिली के साथ आना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है। स्पेशली इनका फूड जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। मतलब हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से डाल रखा है इन्होंने अपने टेस्ट में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट मॉकटेल्स आई थिंक आपको शायद ही पसंद आएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके टेस्ट के हिसाब से वो मॉकटेल्स हैं। तो
शौक के लिए ज़रूर मंगवा सकते हैं। उनकी वो बबल वाली ट्रिक बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे काफ़ी मज़ा आया वो करके। 3-4 बार किया उन्होंने, एक्चुअली 2-3 बार तो फेल हो गया, तो लास्ट टाइम बहुत बढ़िया चीज़ थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।